स्टार्ट करते हैं जब भी फोटोशॉप, तो उसमें हम एक कैनवास लेते हैं, जैसे कि आप कभी भी प्रिंटिंग वगैरह करते हैं या कुछ, तो उसमें हमें जाहिर सी बात है कोई पेपर चाहिए होता है या कोई चीज चाहिए होती है, तो उसके लिए बकायदा एक आर्ट बोर्ड होता है, उसको हम कैनवास बोलते हैं। तो कैनवास की सिलेक्शन के लिए हम फाइल में जाएंगे, न्यू न्यू में जैसे ही आएगा तो ये आपका कैनवास का साइज बता रहा है, आपको कितने साइज में पेंटिंग करनी है या कितने साइज में आपको कुछ ड्रॉ करना है या किसी चीज को एडिट करना है या फाइल को या कोई भी चीज आपने ड्रॉ करनी है, तो कैनवास का साइज होगा। यहाँ में स्टार्ट में हम लोग 1000 ले लेते हैं और इसी तरह 1000 उसकी हाइट भी ले लेते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन इसका मेन इश्यू है, जो कि रेजोल्यूशन अगर आप सबसे कम रखोगे तो उतने ही पिक्सल्स आपके कम आएंगे और पिक्चर की इमेज खराब होगी, इसलिए हम हमेशा जो है 300 तक लेते हैं। ये हमारे पास कैनवास आ गए, जो कि कैनवास जिसपे हम लोग जो कुछ भी होगा ड्रॉ वगैरह करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं फेमिलियर कर देता हूँ इसके साथ कि इसमें क्या क्या हमारे पास मौजूद है। एक ही हमारे पास मेन्यू बार है जिसमें आपके पास सारे मेन्यूज हैं, साइड पे हमारी टूल बार है जिसमें हम सारे टूल्स यूज करेंगे। इस साइड पे जो है तो ये कलर है, इसमें आप कलर्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ से आती है। विंडोज जो है इसमें सारे टूल बार जितने भी अगर आपके ऑफ हो जाए या कुछ तो यहाँ से आते हैं, ठीक है। ये आपकी लेयर्स हैं, इस साइड पे आपकी लेयर्स हैं, जितनी आप लेयर्स लेंगे, लाइक जब आप एक ड्रॉ करते हो किसी चीज पे तो पेपर के ऊपर एक पेपर रखते हो, फिर उसके ऊपर अगर दूसरा पेपर रख के ट्रेस करना चाहो तो उसके ऊपर आप पेपर रखते हो, तो उस टाइप की ये लेयर्स हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, जितनी आप लेयर्स ज्यादा लोगे, आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप जितनी ज्यादा लेयर्स लोगे उतनी आपकी इमेज में एडिटिंग ज्यादा कर सकोगे, उस इतना ज्यादा उसको मॉडिफाई कर सकोगे, ठीक है। इसी तरह अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ इमेजेस हम ले लेते हैं गूगल से। ठीक है, ये अब कुछ इमेजेस हम ले लेते हैं। ओके, हमारे पास कुछ इमेजेस आ गई। अब जैसे कि हमने कुछ किसी इमेज को एडिट करना है, तो हम लोग उस इमेज को एडिट करेंगे, एक आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब उस इमेज को डायरेक्ट ओपन करके और कैनवास में भी आप ओपन कर सकते हो। कैनवास हम बेसिकली उस वक्त यूज करते हैं जब हमने अपनी पसंद का बैकग्राउंड इसमें डालना होता है या कुछ, इसलिए हम लोग अपना कैनवास यूज करते हैं। बेसिकली इमेज को एडिट करने के लिए जस्ट आप उस इमेज को ओपन करें, फाइल ओपन, अब बेसिकली इस इमेज को हमने एडिट करना है, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करनी है, तो हम इसमें करेंगे। पहले से डिफॉल्ट से ये लेयर जो होती है लॉक होती है, आपने फर्स्ट इस लेयर को ओपन करना होगा। इस लेयर को ओपन करने के बाद ये हमारी फर्स्ट टूल जो है वो सिलेक्शन टूल है। बेसिकली ये सिलेक्शन टूल क्या करती है, आपकी जो जो जितनी जितनी लेयर्स होंगी इस पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक यहाँ पे अभी फिलहाल इस सिलेक्शन टूल पर ये जस्ट ये आपकी लेयर सेलेक्ट करती है, फिलहाल आप इसको ये माइंड में रखें। नेक्स्ट हम टूल पे जाते हैं, साथ में इसकी दूसरी है आर्ट बोर्ड टूल, ये कि आपकी एक ही जगह पे दूसरा आर्ट बोर्ड भी बना देगा। अभी एक आर्ट बोर्ड है, इसी तरह आप दो तीन आर्ट बोर्ड बना सकते हैं कैनवास के। बेसिकली ये इसलिए इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसको माइंड में रखें कि ये हमारे आर्ट बोर्ड के लिए। और सेकेंड हमारे पास सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल के अंदर हमारे पास एक है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एक एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, और एक सिंगल रो है और एक सिंगल कॉलम है। ये साथ साथ में मैं आपको बताता जाता हूँ, रेक्टेंगुलर टूल से ये कि आप रेक्टेंगुलर में सिलेक्शन लेंगे। अब ये मैंने एक सिलेक्शन ले लिया, ठीक है,
मतलब रेक्टेंगल में जितनी आपकी जितना भी आपने सिलेक्शन लेनी है रेक्टेंगल में लेगा। अब आप देखें, अब नेक्स्ट सिलेक्शन मैंने लेनी है तो ये सिलेक्शन में ही लेगा। अब आप चाहते हो कि मैं इस सिलेक्शन में एक और सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपके एक और ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। इस सिलेक्शन के साथ आप एक और सिलेक्शन भी ऐड करना चाहते हैं तो वो इस तरह होगी, सॉरी इस तरह सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन ऐड कर रहे हैं वो। इसी तरह आप चाहते हैं कि आप ये सिलेक्शन मुझसे रिमूव करना चाहते हो, ये वाली सिलेक्शन इसका जो हिस्सा है ये वाला रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सो ये सब्ट्रैक्ट कर देगा उस सिलेक्शन को। सिलेक्शन हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कंट्रोल डी से ये डी सिलेक्ट होता है। अब आपने एक सिलेक्शन ली हुई है, आप चाहते हो कि ये सिलेक्शन मुझसे गलत हो गई, तो आप उसको डी सिलेक्ट करना चाहते हो, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्शन बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आपने कोई खास इमेज का कोई खास हिस्सा आपने एडिट करना है, लाइक ये हिस्सा आपने एडिट करना है, एग्जाम्पल है आपने एडिट करना है, इसको कंट्रोल जी से इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। अब आपने खास ये हिस्सा जो है इसका एडिट करना है तो आप इसको एडिट कर सकते हो। ये हम एडवांस में पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल मैं जस्ट आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जस्ट ये वाला हिस्सा इसका एडिट होगा, लाइक ये इसके मैं कलर्स वगैरह एडजस्ट कर रहा हूँ, ये ओके। अब जस्ट ये वाला हिस्सा सिलेक्शन ली मैंने इसकी रेक्टेंगल से, ये वाली साइड सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ, और लेयर का मैंने जैसे कि आपको कहा कि आप जितनी ज्यादा लेयर्स लोगे आप उतनी ज्यादा एडिटिंग उतनी ज्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब जस्ट ये हिस्सा इसका एडिट हुआ है वो क्यों, क्योंकि मैंने इसकी लेयर की कॉपी ली हुई थी, इस लेयर की ये वाली साइड सिलेक्शन करके इसकी कॉपी ले ली, वो इसके टॉप पे आ गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जितनी लेयर्स आप लेना चाहे वो ले सकते हैं, तो आपने इस लेयर को इस लेयर की सिलेक्शन ली, उसको कॉपी किया, उसको थोड़ा एडिट करके उसको डुप्लीकेट कर दिया, और ये जो आई का जो आइकन है जो आपको शो कर रहा है वो बेसिकली डिस्प्ले करता है कि आपकी ये वाली लेयर ऑन है, ये वाली लेयर ऑफ है, ये ऑन ऑफ के लिए होता है, आप इस तरह लेयर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है ये एलिप्टिकल मार्कर टूल जो है ये सर्कल में लेती है, बिल्कुल मतलब सर्कल में आपकी सिलेक्शन लेगी, ये आपका रैंडम सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल में से ले लिया, ठीक है। आप इसको लाइक इस लेयर को आप कट कर सकते हो, ठीक। लेकिन अब ये देखिए सर्कल बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, ये ओवल शेप में, आप चाहते हैं कि बिल्कुल राउंड शेप में आए, ठीक। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस किया, इस सर्कल को ड्रॉ किया और ये बिल्कुल राउंड शेप में आ गया। शिफ्ट प्रेस पकड़ने के साथ ही ये ऐसा होगा, अदरवाइज आप अगर ऐसे ही डायरेक्ट करोगे तो वो डायरेक्ट इसी तरह उसका भी ये ऐड टू सिलेक्शन है, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, ये आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, उसी तरह सेम वैसे ही फीचर है जैसे रेक्टेंगुलर में थे। और ये जो है हमारे पास, और ये हमारे पास है आई थिंक इंसर्ट विद सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। आप जैसे कि ये सिलेक्शन आपकी हो चुकी है, अब आप चाहते हो कि वो सिलेक्शन बने जो कि इसकी और दूसरी लेयर की, दूसरा जो सिलेक्शन मैं लूंगा उसकी जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो लेयर सिलेक्ट हो जाए। लाइक अब मैंने इस पे क्लिक किया, अब जहां जहां ये इंटरसेक्ट होगी वो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। लाइक देखें, ये मैंने सिलेक्शन ले ली, ठीक। अब इसी तरह आप चाहते हो कि इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन हो, जहां जहां पे इंटरसेक्शन होगा इन दोनों सर्कल्स का, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, तो जस्ट ये इंटर जो इनसाइड वाला एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा, सॉरी। लाइक मतलब जहां जहां ये इसकी जो सिलेक्शन का एरिया है, जहां जहां से वो इंटरसेक्ट हो रही है, आप इसमें कोलाइड कर रही है, वो वाली एरिया जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये फीचर रेक्टेंगल में भी है, ये सेम वैसे ही फीचर है, इसी तरह एलिप्टिकल में भी है, और इसी तरह ये सिंगल रो में भी है। सिंगल रो कौन सी सिलेक्शन होती है, सिंगल रो ये होती है कि आपने जस्ट क्लिक किया, आपने क्लिक किया कौन सी थी, ये सिंगल रो मार्किंग टूल। रो हमारी इस तरह होती है, कॉलम हमारा बिल्कुल वर्टिकल होता है, रो जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये सिंगल रो इसलिए हुआ है क्योंकि ये जस्ट एक पिक्सल आपका सिलेक्ट हुआ है, एक पिक्सल की जो रो है वो सिलेक्ट हुई है। अब आप इसको देख सकते हो, अब आप कह रहे हो कि यहाँ तो हमें एक पिक्सल नजर नहीं आ रहा, जब आप इसको जूम इन करते हो तो ये जस्ट एक ही पिक्सल जो है वो आपका सिलेक्ट हुआ होगा।
ये जस्ट एक पिक्सल है। ये आप जितना जूम इन करते जाओगे ये आपको जितने भी ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे पिक्सल हैं। ये शुरू में हमने जो रेजोल्यूशन में 300 दिया था वो पिक्सल की क्वालिटी थी। ये अब आप देख सकते हो ये हमारी वो सिलेक्शन। अब ये जस्ट एक रो में जितने भी सिंगल एक पिक्सल है वो सिलेक्ट हुआ है। ये बेसिकली इतना यूज नहीं होता लेकिन ये भी एक सिलेक्शन में कभी ना कभी आपको यूज करने का तरीका आना चाहिए कि आप एक पिक्सल को एक रो में सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये रो टूल यूज होती है, सिंगल रो मार्कर टूल। इसी तरह कॉलम भी, आप कॉलम को करोगे तो ये कॉलम में सिंगल रो पिक्सल जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। अब इसी तरह अब इससे आगे हम जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको सिलेक्शन टूल का बताया कि जस्ट आपकी लेयर्स को सिलेक्ट करता है, लाइक अब ये है तो आप इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो ये सिलेक्शन टूल लिया, ये उठा के इधर लाया, ये जस्ट सिलेक्शन के लिए होते हैं। अब आप ये वाले रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। इसको मूव करने के लिए जस्ट ये सिलेक्शन टूल यूज होती है।